सो फाइनली गाइस आपका भाई आने वाला है कानपुर, मतलब कल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम वंस अगेन टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर में सेफ हो। या फाइनली गाइस इट्स डे टू एंड मैं हो चुका हूँ रेडी और मैं जाने वाला हूँ अभी एयरपोर्ट एंड टाइम हो रहा है 5:05। सो लेट्स गो, चलते हैं, थोड़ा कुछ खाते हैं फिर हम निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। दिस इज बेस्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड खा लूँगा ना तो फिर इतनी भूख नहीं लगती जितनी जल्दी, मतलब भूख लगनी चाहिए थी। सो सत्यम भाई, सो फाइनली अब आ गया है जाने का टाइम और सत्यम भाई बाय बाय, मिलते हैं 1 महीने बाद। सो गाइज फाइनली आई एम टेकिंग माई बोर्डिंग पास और इतना खाली था मैंने एयरपोर्ट आज तक कभी नहीं देखा मैंने जब जब बाय द वे मैं हर ईयर ट्रैवलिंग करता हूँ बट इतना मैंने कभी एयरपोर्ट खाली नहीं देखा मैंने आज तक। सो अभी मेरा फ्लाइट तो है, टाइम है, सो अभी चलते हैं, गपशप करते हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे सारी शॉप्स एम्प्टीज पड़ी है, क्लोज है एंड फाइनली मेरी फ्लाइट हो गई है 155 की एंड चलते हैं। वैसे भी आपका भाई अपना घर आने वाला है कानपुर, तो कुछ भोकाल तो होना ही है। कानपुर आके और अच्छे अच्छे अब व्लॉग्स मिलेंगे बिकॉज अपने शहर आ रहा हो यार और अपने शहर की बात ही कुछ अलग होती है। तो चलते हैं, अपना कुछ कानपुर या भोकाल दिखाएंगे कानपुर पहुँच के। और भी मैं अपने फ्रेंड से मिलवाने वाला हूँ जो भी मेरे साथ वर्क करते हैं ईच एंड एवरी वे। सो खाने के लिए मास्क उतारना ही पड़ेगा। सो राइट नाउ गाइज आई एम इन जी बी के लॉन्च, इट्स अ बिजनेस लॉन्च जो अभी एक्सेस हुआ है। सो भाई कुछ मील इन्जॉय करते हैं, आज की मील मेरे लिए आई है तो देखते हैं क्या आया है खाने में बिकॉज मेरे को भी नहीं पता, तो आई विल चेक इट। जो टेस्ट है ना बहुत मस्त है और ऑयल भी कम है, मतलब जो खाने में एक मतलब क्लीननेस क्लियर ना 100 marks। और वैसे भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्लीननेस तो रहनी है और क्या बोलते हैं टेस्ट भी ना बहुत अच्छा है। अगर इस चीज़ का पैसा भी दे के भी खाना पड़ता ना फुल भी तो भी मैं पूरा पैसा वसूल देता इस चीज़ को, जीविक मस्त है। एक्चुअली मैं जब लास्ट टाइम फ्लाई कर रहा था ना स्पाइस जेट से, अभी तो मेरा दूसरी एयरलाइंस है इंडिगो, सो मैं जब लास्ट टाइम फ्लाई कर रहा था ना तो आपके भाई को पता नहीं था कि यहाँ पे कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री, और यहाँ पे आपके कार्ड पे देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, सो उसमें विजिट होती है वॉट एवर आई डोंट नो। मैं अभी एक्चुअली यहाँ के मैनेजर है, मैं उनसे बात करूँगा और मैं आपको उसके बारे में बता भी दूँगा कि आप लोग आओ और आप लोग भी इन्जॉय करो। सो जो भी कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे हम लोग को मिल रही है कार्ड्स पे या जीवीके जिस पे भी दे रहा है वॉट एवर आई डोंट नो, सो मैम आपको बता देंगी कि कैसे क्या जिस कॉम्प्लीमेंट्री दी जा रही है। सर एक्चुअली हमारा जो टाइप होता है वो बैंक के साथ होता है और जो भी फैसिलिटी आपको मिलती है वो बैंक की तरफ से मिलती है, सो वी आर जस्ट गिविंग द विजिट्स, वॉट एवर फ्री विजिट्स वी हैव वी आर गिविंग दैट। ओके मैम, थैंक यू।
This is the best thing in airport. Check the temperature. This guy is giving me a sheet full of pack. मतलब खुद की कार्बन डाइऑक्साइड खुद से आ रही होगी, मेरी वॉइस की जो आवाज़ है वो भी अच्छे से नहीं आ रही होगी, तो चलते हैं। I welcome you on board 6E5317, service to Lucknow today. Wrap around your waist with a buckle. Pull the red tabs or tab to inflate or blow into the manual inflation tubes or tube. The life jacket should be... Hum tod gaye jab tum jage की गिरफ्त से भगा मैं, एक गहरी सांस लेके सब भूला भाई, जादू सा है कुछ सवा में, झंझट से दूर हूँ, पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज, जो करो जो करना नहीं डरना कुछ, अभी भी सोचे क्या सोचे की दुनिया, रहने दो या जाना मुझे घर नहीं, इनको विचारों की है जड़ वही, ये जो चमके तारे मेरे पे पूरी रात, प्रकृति साथ है वो, जो गरीब पास नहीं हम गरीब बात में फिर भी जीत चारी ए अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा जाके पीछे चिपटा रात इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाल इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला मुझे किस किस ने क्या क्या कहा भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा So right now I'm in the Lucknow airport so चलते हैं बाहर का कुछ तो फाइनली गाइज राइट नाउ आई एम इन लखनऊ और लखनऊ का टेम्परेचर इस टाइम 33 डिग्री एंड टाइम हो रहा है 4:31। सो चलते हैं और मैं शुक्र करता हूँ कि आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं इसी के साथ इसी जर्नी के साथ तो साइन ऑफ करता हूँ Keep loving, keep sharing and keep smiling, stay safe and stay home. Bye-bye.